फिरोजपुर सरहदी पट्टी के बच्चों के पास बेंच की सुविधा भी नहीं। पढ़ो सभी के नारे लाने वाला शिक्षा विभाग बॉर्डर पर मुश्किलों के साथ दो चार ही स्कूल में आने वाले बच्चों से छीन रहा है शिक्षा का अधिकार। चाहे जाड़ा के दस्तक देते पारा बढ़ गया हो, परंतु फिरोजपुर के सरहदी पट्टी के बस्ते दर्जनों गाँव में घर से पढ़ने जाते बच्चों के पास ठंड से बचने के लिए नहीं है कोई प्रकोष्ठ। इन बच्चों के साथ और जगहों में भी यही हो रहा है। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी इन स्कूलों में बेंच प्राप्त नहीं हुए और ये घर से लाई बोरियों पर बैठ पढ़ाई ग्रहण कर रहे हैं और पढ़ाई सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। विभाग की तरफ से सरकारी स्कूल के इन बच्चों को गर्म वर्दियां देने के लिए फंड ना होने की दुहाई दी जा रही है, जबकि गर्म कपड़े ना होने के कारण बच्चे जाड़ा के साथ जकड़े जाएंगे, जो बाद में स्कूल की बजाय डॉक्टरों के चक्कर निकालते नजर में पड़ेंगे। परंतु इस प्रति शिक्षा विभाग और पंजाब सरकार कोई संजीदा दिखाई नहीं दे रहा। फिरोजपुर से सुखचैन। किड़ी क्लास पढ़ते? छेवीं बी। की की थानू मिले आ के बूट बाड़ मिले ने सरकार वालों? बूट कोन नहीं मिले। वर्दी आई है सरकार वालों? नहीं आई। ठंड लगदी है? हां जी। हैं की मांग करदे हो? वर्दी हम चाहिए। वर्दी आदि सरकार किड़ी क्लास पढ़ते? आठवीं बी। तो की मांग कर? एक तरफ सरकार मुहिम चलाउंदी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर सानू वर्दियां नहीं मिलदियां। ठंड बहुत पै रही है जिस करके बच्चे स्कूल जाने लेट हो जाते हैं। सर सानू सरकार वालों वर्दियां ते जर्सियां दित्तियां जाण, ठंड में सानू बहुत सानू समस्या आ रही। पिछली बार सानू वर्दियां मिलियां सी, इस बार सानू वर्दियां नहीं मिली। असीं सरकार तों इह मंग करदे हां कि असीं वर्दियां नहीं खरीद सकते, सानू ठंड तों बचण लई वर्दियां दित्तियां जाण। डीओ प्राइमरी से अभी मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि सारी यूनिफॉर्म आ गई हैं और आज वो बांट रहे हैं फील्ड में, बाय टुडे इवनिंग और टुमारो आफ्टरनून लेटेस्ट सारी यूनिफॉर्म अप टू 5th क्लास के बच्चों को बांट रहे हैं। सर ये प्राइमरी स्कूलों की जो यूनिफॉर्म लेट हुई हैं उनका कारण कुछ ये भी हो सकता है, जो 800 प्राइमरी स्कूल बंद करने का सरकार ने फैसला लिया है? नहीं, इसके पीछे ऐसा तो नहीं होगा, बाकी तो डिपार्टमेंट के ऑफिसर ही बता पाएंगे, बट आ ही गई हैं हम तो।